तो हेलो भाई, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है रुबेन कुमार शर्मा। छत्तीसगढ़ की सीजीपीएससी की वैकेंसी निकलने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं छत्तीसगढ़ की इस वीडियो में कवर करूंगा। तो ये वीडियो कई लोगों को लगेगा बहुत सरल है, कई लोगों को लगेगा कोई कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नए हैं, पहली बार सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिए, आपको डिटेल समझ आएगा। डिटेल जब क्लियर हो पाएगा तभी आप सीजीपीएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो मैं चैनल में अपलोड करता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक समझेंगे क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य एवं निर्माण एवं गठन का इतिहास। कैसे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और गठन हुआ, पहला देखेंगे। और 1905 में जसपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांगभाकर एवं कोरिया को छत्तीसगढ़ से मिलाया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि किसको मिलाया गया था, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम सपना देखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे जिन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ निर्माण की, मतलब छत्तीसगढ़ कैसे निर्माण हो या छत्तीसगढ़ का जो सपना देखा था, कब परिकल्पना की थी, वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। अगला देखेंगे, त्रिपुरी अधिवेशन। इस समय एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन है। इस अधिवेशन में मांग की थी कि छत्तीसगढ़ को पृथक किया जाए एमपी से। तो ये अधिवेशन पूछ देता है कभी कभी, और कौन से मतलब किसका अधिवेशन था और कौन सी मांग की गई थी ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था 1956 में। देखो कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि छत्तीसगढ़ महासभा गठन कब किया गया था, तो 1956 आपको डेट याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब इसी को क्लियर करते हैं, किसने किया था। बैरिस्टर छेदीलाल एवं खूबचंद बघेल ने मिलकर छत्तीसगढ़ महासभा की महासभा का गठन किया था। कहां पे हुआ था, ये हुआ था राजनांदगांव पे। इतना टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मातृ संघ का गठन 1967 में किया गया था, किसने किया, खूबचंद बघेल ने। कहां पे हुआ, ये भी राजनांदगांव पे हुआ। तो डिटेलिंग मैं दे रहा हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं, और जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा को 1979 में स्थापित किया गया था, गठन किया गया था, और गठन करने वाले का नाम है शंकर गुहा नियोगी जी। तो देखो, छत्तीसगढ़ गठन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो सीजीपीएससी की बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं वो बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो याद है कि किसी भी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में सिंपल क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, गलत बात हो जाएगी। और जो बच्चे नए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्वेश्चन को देखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। जब मैं इसको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इसमें क्लियर करने जा रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब आगे है छत्तीसगढ़ का नामकरण, राज्य का नामकरण हुआ कैसे। तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, किसके अंतर्गत आता था, चेदी महाजनपद के, ठीक है। सेकंड, इतिहासकार चिप्सम ने जमाबंदी के आधार पर छत्तीस जिले की खोज की, इसी पर छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो इतिहास चिप्सम ने जमाबंदी के आधार पर छत्तीस जिलों की खोज की थी, इसलिए छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ। तो कौन से जनपद में आता था, वो था चेदी महाजनपद पे, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि ये जमाबंदी प्रथा क्या है, अगर एग्जाम में पूछ सकता है। तो कलचुरी शासक कल्याण शाह ने जमाबंदी प्रथा लागू की थी, ठीक है। तो जमाबंदी प्रथा लागू करने वाले शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, कलचुरी शासक थे कल्याण शाह, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट क्लियर करता हूं, चौथा नंबर क्वेश्चन, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी राय के चारण कवि दलपत राव ने 1494 में किया था, किसने किया था, दलपत राव ने 1494 में किया था। दलपत राव, छत्तीसगढ़ इतिहास में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग दलपत राव ने किया था। वो किसके थे, खैरागढ़ के राजा के
लक्ष्मी राय के कवि थे, ठीक है, ये आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। और इसी में देखेंगे, कलचूरी शासक राज सिंह ने दरबारी कवि गोपाल मित्र ने खूब तमाशा छत्तीसगढ़ भाषा में उल्लेख किया था। मतलब वो जो कलचूरी शासक थे राज सिंह का दरबारी कवि गोपाल मित्र ने खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ भाषा का उल्लेख किया था, मतलब प्रयोग किया था। तो यहीं से छत्तीसगढ़ की एक परिकल्पना की गई थी। तो ये बेसिक चीज है जो मैं करा रहा हूं, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ये वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि अगर हम शुरू से तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी की, तो ये सब चीज पता होना चाहिए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकलते हैं, और भी वीडियो मैंने अपलोड की है सीजी पर, उसको भी जाके देखिए। और चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।